हाय फ्रेंड्स, आई एम दिव्यांशु देव। आई वांट टू टीच यू सम स्पेशल टॉपिक ऑफ इंग्लिश। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशु देव आप सब को अंग्रेजी में कुछ बताने वाला हूँ। आइए मिलकर सीखते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगी। सबसे पहले हम लोग अंग्रेजी में आर्टिकल को सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक को डिफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है दूसरे को इंडिफिनिट आर्टिकल के नाम से जाना जाता है। डिफिनिट आर्टिकल में दो आते हैं और इंडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, डिफिनिट मतलब निश्चित होता है और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित होता है। वैसे आर्टिकल जिनका उपयोग निश्चित है वो डिफिनिट आर्टिकल में आते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल मात्र एक ही होते हैं। आज आपसे कोई पूछेगा प्रश्न, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर, तो आप बोलेंगे देयर आर थ्री आर्टिकल्स ए एन एंड द। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं। दूसरा प्रश्न आपके बीच आएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल आर देयर, तो आप जवाब देंगे देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल एंड इनडिफिनिट आर्टिकल। ए एंड एन इज नोन एज इनडिफिनिट आर्टिकल एंड द इज नोन एज डिफिनिट आर्टिकल। टुडे वी विल लर्न अबाउट इनडिफिनिट आर्टिकल। आज के इस क्लास में हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में सीखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को सही ढंग से समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम यूनिक कोचिंग के टीम सभी लोग आपके सेवा में सदैव तैयार हैं। इसके लिए अगर आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परेशानी है, तो हम लोगों से तुरंत साझा करें, हम लोग उनका हल करने में आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो आइए देखते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल में हम लोग जान चुके हैं जो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में द आते हैं और इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। तो हम लोग अभी सीखेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है, इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ होता है, इन दोनों का मीनिंग क्या क्या होता है। इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है। तो सोचने वाली बात यह है, जो ए का मतलब एक है और एन का मतलब भी एक ही होता है, तो फिर इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा जाता है, इन दोनों को एक साथ क्यों नहीं लिखा जाता। या तो फिर ए ही लिख देंगे तो एक का ही मतलब काम कर लेगा, या तो फिर हम एन ही लिख देंगे तो एक का काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, इसका यूज अलग अलग। तो आइए इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे जो नाउन जो होगा। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते कहाँ हैं, तो आर्टिकल का यूज करते हैं नाउन से पहले, है ना। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव दिया रहे तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब दिया रहेगा तो एडवर्ब के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। हम सभी लोग ये जाने जो आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करते हैं। तो देखिए इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करने से पहले हम देखेंगे जो नाउन जो होगा वह एससीएन होना जरूरी है।
एस फॉर सिंगुलर, सी फॉर काउंटेबल एंड एन फॉर नाउन। सिंगुलर मतलब एकवचन, काउंटेबल मतलब गणनीय, नाउन मतलब संज्ञा। सिंगुलर मतलब होता है एकवचन, ये नंबर के अंतर्गत आते हैं। हम लोग नंबर में सीखते हैं जो वचन कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर आर देयर, तो हम लोग सीखे थे देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। व्हाट इज सिंगुलर नंबर, ए नाउन व्हिच डिनोट्स वन पर्सन और थिंग्स इज नोन एज सिंगुलर नंबर। वैसी संज्ञा जो एक प्राणी या वस्तु का बोध कराता है एक वचन कहलाता है। एंड व्हाट इज प्लूरल नंबर, मतलब बहुवचन क्या है, तो ए नाउन व्हिच इज व्हिच डिनोट्स टू और मोर देन टू पर्सन और थिंग्स इज नोन एज प्लूरल नंबर। वैसी संज्ञा जो दो या दो से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध कराता है बहुवचन कहलाता है। आप लोगों को सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर यानी कि नंबर समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे काउंटेबल के बारे में जानेंगे। काउंटेबल मतलब होता है गणनीय, जिसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है व्हाट इज काउंटेबल नाउन, तो नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वैसी संज्ञा जिनकी गिनती की जा सकती है, जिनको हम गिन सकते हैं, जो गिनने के योग्य है, काउंटेबल नाउन कहलाता है। जैसे कि हम बात बुक की करें तो बुक हम लोग गिन सकते हैं, गिन लेते हैं। जो हमारे पास एक बुक है, हमारे पास दो बुक है, हमारे पास पाँच बुक है, हमारे पास दस बुक है। लेकिन वही बात पानी की जाए, वाटर की जाए, तो हम लोग इसको गिनने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि यह गिनने के योग्य नहीं है। इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। आया समझ में? तो काउंटेबल नाउन भी हम लोग समझ गए हैं, एक वचन गणनीय, अननाउन मतलब तो संज्ञा समझते हैं पहले से। तो एक वचन गणनीय संज्ञा से पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज होता है। इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करने से पहले हम ये देखेंगे जो नाउन जो होगा वह सिंगुलर होगा और काउंटेबल होगा। चलिए यहाँ तक समझ गए, ठीक है सर। हम देख लेंगे जो नाउन सिंगुलर है काउंटेबल है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, तो उसके बाद देखेंगे उसका साउंड। साउंड मतलब होता है स्वर, उसका साउंड देखेंगे। अगर उसका साउंड वर्ड का साउंद, आ, आ, हर्षई दीर्घई हर्षौ दुर्गौ ए ऐ ओ औ अंग और अह दिया रहे, तब इसमें हम एन का यूज करते हैं और बाकी जो बचे क से ज्ञ तक उसमें हम ए का यूज करते हैं। इसको लिख देते हैं, क से ज्ञ तक के साउंड के लिए हम ए का यूज करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बना करके, जो कैसे बनाते हैं हम लोग। जैसे हमको दे दिया गया नाउन बुक, बुक मतलब किताब होता है, पुस्तक होता है, जिसके माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं। अब इससे पहले क्या लगेगा, इससे पहले क्या लगेगा, इसको देखने के लिए बनाने के लिए सही बने, इसके लिए सबसे पहले कुछ नियम है, उसका हम लोगों को पालन करना होगा, जैसा कि हम लोग पहले सीखे हैं। तो सबसे पहले इस वर्ड को देखेंगे, वर्ड है बुक, बुक देखेंगे ये सिंगुलर है तो हाँ है, काउंटेबल है तो हाँ है। अब इसका साउंड देखेंगे, साउंड इसमें से कोई है नहीं है, ब आता है, इसको पढ़ेंगे हिंदी में तो बुक पढ़ेंगे, ब का साउंड आ रहा है, ब का स्वर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, तो इसके लिए इसमें ए लगेगा, इसको पढ़ेंगे ए बुक, है ना। उसके बाद वर्ड आया ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, इसको पढ़ते हैं ऑरेंज, अब इसको इससे पहले इंडिफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का यूज करने के लिए हम लोग देखेंगे जी ये सिंगुलर है वहाँ है, काउंटेबल है तो हाँ है। तो अब इसका स्वर देखेंगे, स्वर इसमें से आ रहा है तो हाँ आ रहा है, तो इसके लिए इसमें एन लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी, इसमें कहीं कोई आप लोगों को समस्या नहीं हुआ होगा यहाँ तक। अब हम वाटर के पहले इंडिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे, सीखेंगे। वर्ड आ गया यहाँ पे वाटर, इसको पढ़ेंगे, वाटर लिखेंगे,
अब इसको चेक करेंगे क्या यह सभी नियमों का पालन कर रहा है, क्या यह वाटर सिंगुलर है, कंटेबल है तो नहीं, कंटेबल नहीं, अनकंटेबल है। तो जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो अनकंटेबल नाउन से पहले इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होता है, इसमें किसी भी चीज का यूज ए और एन में से कुछ भी यूज नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग के पास ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का बुक होगा तो आप एक्सरसाइज 34 और 35 का रिवाइज करेंगे, बनाएंगे। आप लोग हमें विश्वास हो गया, जो आप लोग अगर इतना समझ गए होंगे तो आप लोगों को एक्सरसाइज 34 एक्सरसाइज 35 में किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। और हम लोग इस उम्मीद के साथ आप सबों के बीच आए हैं जो ताकि आप लोग केवल एग्ज़ाम देने के पर्पज से नहीं पढ़ेंगे, आप लोग एक सफल इंसान होने के पर्पज से पढ़ेंगे। इसमें हम लोगों का भरपूर सहयोग होगा, चाहे वह जिस भी तरह का सहयोग हो, शिक्षा से संबंधित सभी तरह के सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों के टीम हमारी यूनिक कोचिंग संस्था के माध्यम से तरह तरह के योजनाओं का शुभारंभ हो चुका है। बहुत सारे कुछ ऐसे योजना है जो काम कर रही है और बहुत सारे कुछ ऐसे योजना है जो अभी काम नहीं कर रही हैं, तुरंत काम करने वाली हैं। तो आशा करते हैं आप हमसे जुड़ करके इन सभी सेवाओं का, इन सभी योजनाओं का लाभ लेंगे। हम लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की फीस में 20% की कटौती किए हैं, जो लड़कियों को मात्र 20% कम फीस लेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तरह तरह की योजना है हमारी, आप सब लोग सहयोग करें, हम सब आपके साथ हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।